नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चारा घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष जब शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जज और लालू प्रसाद के बीच मजेदार बातचीत हुई। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद स्पेशल जज के नजदीक चले गए और उन्हें बताया कि जेल में किन्नर भी बंद हैं। उन लोगों से वे हाल समाचार लेते रहते हैं। किन्नर के नजदीक जाने पर वे शादी का प्रपोजल रख देते हैं। यह सुनकर कोर्टरूम में हंसी के ठहाके लगने लगे। लालू प्रसाद ने जज से अनुरोध करते हुए कहा कि हुजूर, जेल में दो जज भी बंद हैं, उन्हें उच्च श्रेणी का सुविधा देने का आदेश दे दीजिए। इसके अलावा लालू प्रसाद ने कोर्ट से कहा, जेल में किन्नर भी बंद हैं, उन लोगों से वे हाल समाचार लेते रहते हैं। नजदीक जाने पर किन्नर लोग शादी का प्रस्ताव रख देता है। लालू के इस तरह की बातों को सुनकर पूरा कोर्टरूम हंसी से गूंज उठा। इसके बाद लालू प्रसाद ने जज से अनुरोध किया कि जो अवमानना वाला नोटिस जारी किया गया है उसको हुजूर खत्म कर दिया जाए। लोग भी क्या बोलेंगे कि सभी राजनीतिज्ञ हैं, हम आपका अपमान कभी नहीं करेंगे। कोर्ट ने जवाब में कहा कि 23 जनवरी आने दीजिए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद लालू प्रसाद ने जज शिवपाल सिंह को दिमाग को कूल रखने की सलाह दे डाली। उसी दौरान जज ने लालू से कहा कि आपके कई शुभचिंतक ऐसे हैं जो आपके लिए अभी तक अनेकों बार फोन कर चुके हैं। जज ने कहा कि ये सब बंद करवाइए। इस पर लालू ने कहा कि ऐसा तो हुजूर नहीं है, लेकिन कौन बदमाशी कर रहा है इसका पता करेंगे। लालू ने कहा कि वे शांति से रहेंगे।